एक बार पुनः हमारे मुख्य अतिथि के लिए जोरदार तालियां। निवेदन है मॉडल स्कूल की म्यूजिक टीम से कि वे झंडा गीत की प्रस्तुति दें। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में, स्वतंत्रता के भीषण रण में, रख कर बड़े जोश क्षण क्षण में, रख कर बड़े जोश क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए वह संकट सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, इसकी
भारत माता की। इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए मैं विद्यालय की म्यूजिक टीम को धन्यवाद करती हूं। प्रदेश के मुखिया का सर पर जिनके ताज है, मामा कहते हैं उन्हें हम, जिनका प्यार हमेशा हमारे साथ है। जिसके साथ है शिव, उनका ही तो राज है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जिनका नाम शिवराज है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत खास है, हम आपका स्वागत करते हैं। अतिथियों को हमारी भारतीय संस्कृति में देवतुल्य माना गया है एवं उनका स्वागत सत्कार हमारी परंपरा रही है। स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगी अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल आदरणीय श्रीमती वीरा राणा मैम, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग आदरणीय श्रीमती रश्मि अरुण शमी मैम एवं आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय आदरणीय श्री अभय वर्मा जी से कि वह हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पौधों से स्वागत करें। निवेदन प्राचार्य मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल आदरणीय श्रीमती रेखा शर्मा मैम से कि वह विद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह हमारे माननीय मुख्यमंत्री को सादर समर्पित करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे हर घर तिरंगा अभियान हेतु जागरूक करने के लिए मॉडल स्कूल द्वारा तैयार किए गए लीफ फ्लैट का अपने कर कमलों से विमोचन करें। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं। हम आपका एक बार पुनः इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, समय समय पर हम विद्यार्थियों को संबोधित करते आए हैं, हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करते आए हैं। एक आदर्श के रूप में हमारे मन में आपका विशेष स्थान है। ये कार्यक्रम हम विद्यार्थियों के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि कुछ अलग है जिनका अंदाज, जिनके मन में सदैव हमारे लिए है जगह खास। आज वो बताएंगे हमें तिरंगे का इतिहास। जी हाँ, आज होगी हमारी एक विशेष क्लास। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमें एक शिक्षक की भूमिका में दिखेंगे, और केवल इस हॉल में उपस्थित विद्यार्थी ही नहीं बल्कि भोपाल दूरदर्शन एवं रेडियो के माध्यम से सीधा प्रसारण हमारे प्रदेश के सभी विद्यार्थी देख और सुन पाएंगे। अतः आज के इस कार्यक्रम में संबोधन एवं विशेष क्लास हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए।
जाइए चालू। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमारा सभी शिक्षा परिवार गुरुजन और यहाँ मेरे अपने स्कूल में मैं भी यही पढ़ा हूँ, तो मॉडर्न स्कूल में और पूरे प्रदेश में आज मुझे सुन रहे मेरे प्रिय बेटा बेटियों भांजे भांजियों आप सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। ये केवल गीत नहीं, ये आजादी की लड़ाई का मंत्र था। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, हम सब जानते हैं लेकिन एक बार मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं, अपना देश भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, 5000 साल से ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित देशों में चाहे यूएसए हो, अमेरिका हो या बाकी देश, जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी, दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया भारत ने। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहां थे जहां पढ़ने, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत एक था, गौरवशाली इतिहास है हमारा जिस पे हमें गर्व है। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, ये देश है जिसने हजारों साल पहले कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान इसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। ये हमारा देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कह दिया था अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, ये मेरा है ये तेरा है। ये मेरा है ये तेरा है, ये छोटे दिल वालों का होता है, लेकिन विशाल हृदय वाले कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। अपना देश है जहां हमने कहा प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। केवल अपने कल्याण की कामना हमने नहीं की, ये अपनी धरती है जहां ऋषियों ने हजारों साल पहले गाया सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुग्भाग् भवेत्। थैंक यू बेटी। सहयोग के लिए मेरी लाडली भांजी को धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुग्भाग् भवेत्। केवल हम नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। जिस देश का इतिहास इतना गौरवशाली हो, हमारा दुर्भाग्य था कि आपस की फूट के कारण हमें गुलाम होना पड़ा। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन संक्षेप में मैं इतने ही कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं, पढ़ रहे होंगे, पढ़ा होगा, अंग्रेज उनके साथ साथ कुछ और ऐसे देश जो दुनिया के दूसरे देशों पर उनकी धन और संपत्ति पर जिनकी नजर होती थी,
भारत की समृद्धि की चर्चा दुनिया में थी। आप सबको पता, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज भारत की तरफ आए, और अंग्रेज भी आए थे व्यापारी बनकर। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, लेकिन उस समय दुर्भाग्य से देश की परिस्थितियां ऐसी थी कि जो स्थानीय राजा और शासक थे वो एक दूसरे से लड़ रहे होते थे, नीचा दिखाने की कोशिश करते थे दूसरे को, और किसी तीसरे के साथ मिलकर भी इसको हरा दें, इस तरह की मानसिकता और प्रवृत्ति पनपी थी। इस कमजोरी को अंग्रेजों ने समझ लिया और हाथ में तराजू लेके आए थे, बाद में धीरे धीरे फूट डालो और राज करो की रणनीति उन्होंने अपनाई, और धीरे धीरे एक के बाद एक राज्य अपने अधिकार में लेते रहे। और कहते हुए तकलीफ होती है, अपनी कमजोरियों के कारण हम परतंत्र हो गए, हम गुलाम हो गए। ऐसा नहीं कि उस समय हम लड़े नहीं, लड़े, अलग अलग लड़े, पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई 1761 में ही शुरू हो गई थी। 1761 से लेकर 1765 तक सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, तब से हमारी लड़ाई प्रारंभ हुई। लेकिन फिर आया 1857। पूछना चाहता हूं बेटा बेटियों, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ, बताओ, बताइए। 1857 में, और शुरू किया किन्हें? शुरू किया अमर क्रांतिकारी मंगल पांडे ने। चमक उठी 1857 में, वो तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। पूरा देश, देश के अलग अलग क्रांतिकारी इकट्ठा होने लगे। हमने नाम सुना है और हमने पढ़ा है, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, अमर शहीद कुंवर सिंह, एक नहीं अनेकों क्रांतिकारियों ने, राजाओं ने। उस समय रानी झांसी ने कह दिया था, रक्त की अंतिम बूंद दे दूंगी लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। एक संकल्प, अंग्रेजों को खदेड़ दो। यह जरूर है कि तय समय से पहले ही क्रांति की ज्वालाएं धधक उठी, इसलिए योजना शायद पूरी नहीं बन पाई। और केवल देश में नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से लड़ी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो एक नहीं अनेकों का था। अपने मध्य प्रदेश में भी कितने क्रांतिकारी हुए, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, विद्रोह का विगुल फूंक दिया जबलपुर मंडला के आसपास, कुंवर चैन सिंह, राणा बख्तावर सिंह, टंट्या मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, बादल भोई, राजा विभूत सिंह, एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी जिन्होंने संघर्ष का विगुल फूंक दिया। यह अलग बात है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम हमारे अपनों के कारण ही पूरा सफल नहीं हो पाया। कुचलने की अंग्रेजों ने कोशिश की, हमारे कई क्रांतिकारी मारे गए, बलिदान हो गए, रक्त की अंतिम बूंद तक उन्होंने दे दी, और कई को अंडमान निकोबार जैसे अलग अलग जेलों में भी जाना पड़ा। लेकिन क्रांति की ज्वालाएं लगातार धधकती रही,
और आजादी की लड़ाई की बाद में दो धाराएं बन गई। एक धारा थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, पंडित मदन मोहन मालवीय, लोकमान तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, और बाद में आए दक्षिण अफ्रीका में अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़के, रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष चला के और विजयी होके महात्मा गांधी। एक धारा थी कि हम अहिंसक आंदोलन करेंगे। लोकमान्य तिलक ने उस समय कह दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा। एक तरफ अहिंसक आंदोलन, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने ये माना कि अंग्रेज केवल हाथ जोड़ने से भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, अगर इनको यहां से खदेड़ना है तो अस्त्र उठाने पड़ेंगे, शस्त्र उठाने पड़ेंगे। एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी हुए। मैं बहुत लंबे गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें कई उदाहरण मिलते हैं। एक तरफ महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा एक अलग अस्त्र दिया लड़ाई का, अलग अस्त्र एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, नए नए अस्त्र जो दुनिया ने लड़ाई में कभी नहीं देखे थे। तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की एक श्रृंखला हुई, आपने सबका नाम पढ़ा और सुना है। गर्व होता है हमारे कई क्रांतिकारी, शहीद उधम सिंह का नाम सुना होगा, जलियांवाला बाग में जब अंग्रेजों ने जनरल ओडायर ने कत्लेआम किया, लाशों से पट गया था जलियांवाला बाग, तब छोटा सा बालक था उधम सिंह, खून से सनी उस माटी को उठा के उसने संकल्प लिया था कि जनरल डायर मैं इसका बदला लूंगा। डायर चला गया अपने देश, उधम सिंह भी पहुंचे। कई दिनों तक कैसे मैं बदला लूं इसकी योजना बनाई, और बाद में एक दिन जनरल ओडायर को गोलियों से भून के बदला ले लिया शहीद उधम सिंह ने, खुद फांसी के फंदे पे चढ़ गए। हमने नाम सुना है शहीद आजम भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, उनका जन्म तो अपने भावरा में हुआ, मध्य प्रदेश के भावरा में, जिसको अब चंद्रशेखर आजाद नगर कहा जाता है। सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, दुर्गा भाभी, एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी, स्वतंत्र वीर सावरकर, उसके पहले चाफेकर बंधु, मदनलाल ढींगरा, एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी। अब एक घटना सुनाता हूं। चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष के थे, भारत माता की जय बोलना अपराध था, वंदे मातरम का उद्घोष कोई कर नहीं सकता था क्योंकि वंदे मातरम भारत की आजादी का मंत्र बन गया था। लेकिन बालकों की टीम लेके निकल पड़े चंद्रशेखर आजाद, वंदे मातरम भारत माता की जय, पकड़ लिए गए और 15 बेंत मारने की सजा सुनाई गई। छोटे से चंद्रशेखर लिटा दिए गए और बैंत मारने की सजा प्रारंभ हुई। हाथ उठता सड़ाक से बैंत पीठ पर पड़ता, लेकिन जैसे ही बैंत पीठ पर पड़ता आवाज आती चंद्रशेखर आवाज की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बैंत पड़ते गए लेकिन चंद्रशेखर आजाद की आवाज और तेज होती रही, भारत माता की जय। और जब 15 बेंत मारने की सजा पूरी हो गई तो आजाद ने कहा, एक बार तो मेरे हाथ में हथकड़ियां तुमने लगा ली, लेकिन जीते जी दोबारा तुम चंद्रशेखर आजाद को पकड़ नहीं पाओगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। और हम जानते हैं जब एल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में
अपनों की गद्दारी के कारण जब वो घिर गए तो अनेकों अंग्रेजी सिपाहियों को मारा उन्होंने। लड़ते रहे लेकिन जब उनकी माउजर पिस्तौल में अंतिम गोली शेष बची, उसको दमतुल बुखारा कहते थे अपनी पिस्तौल को, जब अंतिम गोली बची तो भारत की माटी को उठा के उन्होंने कहा, मां मुझे माफ कर देना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। और अपनी कनपट्टी से नली लगा के ट्रिगर दबा दिया, जीते जी दोबारा चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज पकड़ नहीं पाए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने मध्य प्रदेश के ही थे, मुरैना जिले के, अच्छे कवि भी थे। तुमने सुना होगा सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे देखना है जोर कितना, उन्हीं ने लिखा था। बक्ता ने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कई बार लिखते थे वो, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी मां बापों ने पाला था बड़े दुख सहकर, लेकिन अपने कैरियर की, घर की, परिवार की, माता की, पिता की चिंता नहीं की, भारत माता की सेवा में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, सैंडर्स वध जैसे, काकोरी कांड जैसे, जो कई घटनाएं वो इतिहास में दर्ज है, लेकिन भागे नहीं। असेंबली में बम फोड़ा, गिरफ्तार हुए और अपने तर्कों से अदालत में भी उन्होंने पूरे देश में आजादी के लिए ऐसी भावनाएं प्रज्वलित कर दी कि अंग्रेजों का टिकना मुश्किल हो गया। कहते हैं उनके क्रांतिकारी साथियों में से जेल में उनसे मिलने गए और कहा कि हमने आपको यहां से छुड़ाने की पूरी योजना बना ली। भगत सिंह जी का चेहरा गुस्से से तमतम आ गया और उन्होंने कहा, क्या भगत सिंह को कायर समझते हो? साथी बोले, भगत सिंह कायर कैसे हो सकते हैं, लेकिन फांसी के बाद अगर भगत सिंह नहीं रहे तो आंदोलन की आजादी का नेतृत्व कौन करेगा? उत्तर था, फांसी लगने से एक भगत सिंह तो मर जाएगा, लेकिन उसके रक्त की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि भारत माता स्वतंत्र ना हो जाए, ये देश आजाद ना हो जाए। फिर आए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पहले वो महात्मा गांधी के साथ आंदोलन के हिस्सा थे, लेकिन उनको भरोसा हो गया, मेरे बेटा बेटियों अपने जबलपुर में हरिपुर कांग्रेस हुई, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उस समय कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था, स्वतंत्रता के आंदोलन का एक प्लेटफॉर्म था, जिसको लड़ना होता था वो कांग्रेस के माध्यम से उस समय लड़ता था, क्रांतिकारी धारा अलग थी। लेकिन बाद में असहमति के कारण इस्तीफा देकर, और फिर अंग्रेज इतना डरते थे, नजरबंद किया था तो आंखों में धूल झोंक के निकल गए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उद्घोष उन्होंने किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आप कल्पना करते हैं, भारत के बाहर विदेशों में, जर्मनी हो, जापान हो, एक सेना खड़ी कर दी, उस सेना का नाम था, जोर से बोलो, आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी, और भारत भूमि पर अंग्रेजों से लड़ते हुए अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट में तिरंगा झंडा फहराया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने फहराया। लड़ाई चलती रही, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, महात्मा गांधी ने भी फिर उद्घोष कर दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, पूरा देश निकल पड़ा,
और अंग्रेज घबरा गए, क्या भारत में टिकना मुश्किल है। और तब देश को स्वतंत्र करने का फैसला अंग्रेजों ने किया। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, इस स्वतंत्रता की लड़ाई में एक ध्वज लेके लड़े, क्योंकि आपने देखा होगा पुराने समय में भी राजाओं का या शासकों का ध्वज हुआ करता था, कोई ना कोई झंडा हुआ करता था। तो आजादी की इस लड़ाई में भारत का ध्वज होना चाहिए, झंडा होना चाहिए, ये विचार बार बार आता था और हमारे झंडे का स्वरूप बनता चला जाता था। मेरे बेटा बेटियों, आजादी का अमृतकाल है, आजादी का 75वां वर्ष। और आप जानते हो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जो एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, आज भारत का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में है। दुनिया का कोई देश हमें अनदेखा नहीं कर सकता। उन्होंने आह्वान किया कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को उत्साहपूर्वक मनाएंगे और सबको आह्वान किया कि हम हर घर तिरंगा फहराएंगे, हर घर तिरंगा। तो आओ मेरे बेटे बेटियों, हमारा राष्ट्रध्वज, भारत के गौरव का प्रतीक ये तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसे बना, आओ जरा इसके इतिहास को देखते हैं, क्योंकि हमको ध्वज फहराना है। आप सब जानते हैं कि लड़ाई में आजादी की अलग अलग समय पर हमारे ध्वज का निर्माण हुआ। 1905 में मार्गरेट नोबल भगिनी निवेदिता, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सबने सुना है, स्वामी विवेकानंद ऐसे योद्धा संत थे कि दुनिया भर में उन्होंने भारतीय ज्ञान की धूम मचा दी थी। उन्हीं से प्रेरित होकर हमारी बहन मार्गरेट नोबल, जिनको बाद में उन्होंने नाम दिया सिस्टर निवेदिता, वो भारत आई और भारतीयों की सेवा में लग गई। सबसे पहले बेटा बेटियों, जो आप सामने देख रहे हैं, सबसे पहले कलकत्ता में निवेदिता कन्या विद्यालय की हमारी बेटियों ने, छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया। आप देखते हैं इस ध्वज को, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक वज्र बनाया गया था जो ताकत का, शक्ति का प्रतीक, और इसके केंद्र में एक सफेद कमल, श्वेत कमल, और बंगाली में लिखा हुआ आप देख रहे हैं वह है वंदे मातरम, वंदे। तो यह हमारा पहला ध्वज है। लेकिन इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, ध्वज का जो अगला स्वरूप आपके सामने है, 1906, यह माना जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के ग्रीन पार्क में फहराया गया। अब हम देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, इसमें लाल, पीले और हरे रंग की तीन पट्टियां थी जिनके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, मतलब वंदे मातरम शुरू से ही भारत की आजादी का मंत्र था। और आप ऊपर देखेंगे 8 कमल बने हुए थे, नीचे सूरज और चंद्रमा, ये हमारा राष्ट्रध्वज का विकसित होता हुआ स्वरूप था 1907 में। इसके बाद अगर देखेंगे तो फिर हम तीसरे स्वरूप की तरफ राष्ट्रध्वज के बढ़ते हैं, और यह तीसरा स्वरूप 1907 में मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा ये सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, क्रांतिकारी थी, भारत से उनको निर्वासित किया गया था, लेकिन जर्मनी में भी उन्होंने, जर्मनी में सोशलिस्ट कांग्रेस बना और सोशलिस्ट कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने ये ध्वज फहराया था
विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला ये पहला भारतीय ध्वज था। इसे भारत के स्वतंत्रता का ध्वज का नाम दिया गया। और यहां भी आप देखेंगे, हम ऊपर देखेंगे कमल, वंदे मातरम और सूरज और चंद्रमा, ये इसका स्वरूप था, तिरंगे का स्वरूप। धीरे धीरे बदलता हुआ चला गया। उसके बाद फिर 1917 आया। 1917 में एक आंदोलन उस समय चल रहा था, लोकमान तिलक, मैडम एनी बेसेंट थी विदेशी लेकिन भारतीय, भारत की भक्त थी, भारत का ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत का अध्यात्म वो उनके रग रग में रचा बसा था। लोकमान तिलक ने उस समय भारत में स्वशासन की स्थापना के उद्देश्य एक होम रूल आंदोलन चल रहा था। होम रूल का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत ही एक स्वशासन का अधिकार, और अधिक अधिकार ये भारत को मिले। तो होम रूल आंदोलन उसके प्रमुख भाग के रूप में एक नया झंडा अपनाया गया। आप देखेंगे इसमें आपको 5 लाल और 4 हरी आड़ी धारियां दिखेंगी। ऊपर आप यूनियन जैक को भी देखेंगे, क्योंकि उस समय वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही उन्होंने कल्पना की थी कि हमको स्वशासन के और अधिक अधिकार दिए जाएं। और जो आसमान में कभी कभी आप देखते होंगे सप्तऋषि, पता नहीं आजकल देखते हैं कि नहीं, हम तो जब गांव में आंगन में सोते थे तो रोज देखते थे कि ये सप्तऋषि है, 7 तारे, तो वो सप्तऋषि के आकार में 7 तारे थे और चंद्रमा और एक तारा अलग दिखाई देता था। ये 1917, लेकिन इसके बाद एक अलग युग आया और उस युग में महात्मा गांधी लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गए, लगभग पूरे भारत का दिल जीत लिया और आजादी की लड़ाई के मार्गदर्शक बन गए। 1921 में महात्मा गांधी ने यह महसूस किया कि एक राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, हमारे देश का एक राष्ट्रीय ध्वज, एक भारतीय ध्वज। ये महात्मा गांधी जी ने इसकी आवश्यकता महसूस की और महात्मा गांधी जी ने यह काम दिया ध्वज बनाने का, ध्वज के स्वरूप को बनाने का, श्री पिंगली वेंकैया जी को। और उन्हें कहा कि ध्वज में चरखे के साथ ध्वज का डिजाइन बनना चाहिए। चरखा उस समय स्वदेशी का प्रतीक बन गया था और इसलिए 1921 में जो कल्पना की गई तो इसमें नीचे लाल, बीच में हरा और ऊपर सफेद रंग भी जोड़ दिया गया। और पिंगली वेंकैया जी को यह कहा गया कि चरखे के साथ वो इस डिजाइन को बनाए। आजादी की लड़ाई चलती गई, समय आगे बढ़ता रहा। उसके बाद 1929 में आप देखेंगे कि लाहौर का एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए, इसका उद्देश्य रखा गया। और कराची में 1931 में फिर अधिवेशन हुआ, तो कराची के उस अधिवेशन में इस ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। आप देखेंगे ऊपर, आप देखेंगे लाल रंग, बीच में श्वेत मतलब सफेद रंग और नीचे हरा रंग, और तीनों रंग के अपने अपने महत्व और प्रतीक थे। लाल रंग बलिदान का प्रतीक था, लाल रंग बलिदान का प्रतीक, सफेद श्वेत रंग पवित्रता का प्रतीक और हरा रंग आशा का प्रतीक बन गया और देश की प्रगति का प्रतीक। चरखा इसके बीच में, इसके केंद्र में जोड़ा गया। ये 1931 में हुआ और तिरंगे का ये स्वरूप, राष्ट्र ध्वज का ये स्वरूप हमारे सामने आया। आजादी की लड़ाई चलती गई, देश आगे बढ़ता रहा। आजाद हिंद फौज के शौर्य के कारण देश में करो या मरो
अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के कारण भारत का बच्चा बच्चा स्वतंत्रता के यज्ञ में महायज्ञ में कूद गया, तब अंग्रेजों ने तय किया कि अब भारत में टिक नहीं सकते, हमको जाना ही पड़ेगा। और तब आजादी देने की तैयारियां शुरू हुई, तो फिर हमारी संविधान सभा बनाई गई कि देश को चलाना है तो एक संविधान चाहिए, इसलिए संविधान सभा का गठन हुआ। हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो बाद में बने डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। और उस समय 22 जुलाई 1947 को उस संविधान सभा ने स्वतंत्र, इस जो ध्वज आपको दिख रहा है वर्तमान स्वरूप में, इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। अब अपना यह ध्वज आप देखेंगे, इसमें ऊपर केसरिया रंग, हम लाल भी कहते हैं लेकिन केसरिया ज्यादा हम उपयोग करते हैं, मध्य में सफेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग। और इस रंग के प्रतीक भी अगर आप देखेंगे तो ये समझना हम सब के लिए जरूरी है, इसके मध्य में जो सफेद रंग है वो शांति और सत्य का प्रतीक है, शांति और सत्य इसका प्रतीक सफेद रंग। और इसके सबसे नीचे जो हरा रंग है वो हमारी भूमि की उर्वरता, हरियाली, विकास और सुविधा का प्रतीक है, शुभता उसको प्रदर्शित करता है। और ध्वज के बीच में चरखे के स्थान पर ये 24 तीलियों वाला चक्र है, ये 24 तीलियों वाला चक्र। और ये चक्र हमको ये दिखाता है कि गति ही जीवन है और ठहराव ही मृत्यु, चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी, ये इसका प्रतीक है। मतलब काम करते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, गतिशील रहो, इसका प्रतीक है। और ये हमारा आज प्राणों से प्यारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। मैं अपने बच्चों को कुछ और महत्वपूर्ण बातें जरूर समझाना चाहता हूं। हम जाने ये सब कि हमारे तिरंगे में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। यह अनुपात है 3:2, मतलब 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। अगर 3 मीटर लंबाई है तो 2 मीटर चौड़ाई, 3 फिट लंबाई है तो 2 फिट चौड़ाई। ये और बाकी आपने अभी देखा ही है, तीनों रंग और केंद्र में 24 धारियों के साथ एक गहरा नीले रंग का चक्र। हम और आगे बढ़ते हैं तो मैंने जैसा बताया पिंगली वेंकैया जी इस ध्वज के रचनाकार थे। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के मछली पट्टनम के निकट भाटला पेन्नुमारू नामक गांव में हुआ था। पिताजी का नाम हनुमंता रायडू और माता का नाम वेंकट रत्नम्मा था। और महात्मा गांधी से उनको आजादी की लड़ाई की प्रेरणा मिली थी, वो इसके रचनाकार है। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका अतुलनीय योगदान रहा। मैं आज उनको श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। कुछ बातें और जानना जरूरी है। पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसमें यह प्रावधान था ध्वज संहिता में कि केवल हाथ से कटा हुआ और हाथ से बनाए गए खादी का ही राष्ट्रीय ध्वज होगा। लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करके ये तय कर दिया गया है कि खादी के अलावा, खादी का तो है ही लेकिन खादी के अलावा ये मशीन से भी निर्मित किया जा सकता है। और केवल खादी नहीं, सूती, पॉलिस्टर, ऊनी और सिल्क, इसका भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाया जा सकता है। तो इस तरह के कपड़े से भी और मशीनों से भी अब राष्ट्रीय ध्वज बनाया जा सकेगा। ये ध्वज संहिता में संशोधन करके ये प्रस्ताव कर दिया गया। अब और आगे हम देखते हैं कि
कि हमको सबको राष्ट्रध्वज फहराना है। फहराएंगे ना सब? जोर से बताएं, फहराएंगे? 13 से लेकर 15 के बीच फहराना है। मैंने भी राष्ट्रीय ध्वज ले लिया, आपने भी लिया कि नहीं? लिया कि नहीं? नहीं लिया तो लेना। और एक बात मम्मी पापा से भी कह देना कि हम अपने पसीने की कमाई से खरीदा हुआ राष्ट्र ध्वज ही फहराएंगे। ठीक बात है कि नहीं? ये कोई के बांट दो, वितरण कर दो। अरे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। इसकी शान न जाने पाई हम गाते हैं तो हम लेके खून पसीने की कमाई से राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। और राष्ट्र ध्वज को फहराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अपने हाथ से फहराना है, और इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए। जब भी ध्वज फहराया जाए तो सम्मानपूर्ण स्थान पर ही फहराया जाए, ऐसी जगह नहीं लगाया जाए कि आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहिए। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मैं प्रदेश भर के अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, अब इस बात का प्रावधान है, पहले राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय के साथ सूर्यास्त तक फहराया जा सकता था, लेकिन अब संशोधन कर दिया गया है और अगर झंडा खुले में फहराया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति के द्वारा, पहले कोई व्यक्ति अपने घर पर नहीं फहरा सकता था, आपको पता है संस्थानों में ही फहराते थे, लेकिन घर पर फहराया जाता है तो उसे दिन के साथ साथ रात में भी फहराया जा सकता है, मतलब सूर्यास्त के साथ झंडे को उतारने की आवश्यकता नहीं है, जो रात दिन फहरा सकते हैं हम, इसलिए 13 को फहराएंगे तो 13, 14, 15 हमारा झंडा फहराएगा, लहर लहर लहराएगा और देश का मान और सम्मान बढ़ाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि हम जब झंडे को ध्वज को फहराएं तो अलसाए हुए से, निरुत्साहित से वैसे नहीं फहराना, पूरे इस उत्साह आनंद और स्फूर्ति के साथ फहराना है। तो फहराना है स्फूर्ति के साथ, और जब झंडे को उतारना है तो धीरे धीरे आदर के साथ उतारना है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे गौरव का और देश के सम्मान का प्रतीक है। जब विगुल की आवाज के साथ ध्वज फहराया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि विगुल की आवाज के साथ ही फहराया जाए और विगुल की आवाज के साथ ही उतारा जाए, ये ध्यान रखना जरूरी है। और एक बात और ध्यान रखना, ध्वज को फहराते समय ये जरूरी बातें, इसलिए मैं अपने बेटा बेटियों को बता रहा हूं, फटा या मैला ध्वज, देखिए राष्ट्र ध्वज है तो क्या फटा फहराना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। तो फटा या मैला, क्योंकि हमारे सम्मान और गौरव का प्रतीक है, तो फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाता। दूसरे, हमने देखा होगा कि कई बार जब राष्ट्रीय कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई महापुरुष चले जाते हैं, तो राष्ट्रीय शोक की घोषणा होती है, तो राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है, उसके अलावा आधा झुका नहीं रहे, मतलब झुका हुआ नहीं रहेगा, लहराता हुआ रहेगा, केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर ही ध्वज को आधा झुकाते हैं। और एक बात का ध्यान और रखना, सबसे ऊपर है हमारा तिरंगा राष्ट्र ध्वज, तो कोई और ध्वज ना तो तिरंगे से ऊपर होगा ना तिरंगे के बराबर होगा, ना बराबर ना ऊपर, सबसे ऊपर होगा हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा। और एक बात और, हम राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ लिख नहीं सकते, राष्ट्रीय ध्वज पर ना कुछ लिखा जाता है और ना कुछ छापा जाता है, इसका ध्यान रखना है। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज मैंने कोशिश की तिरंगे का इतिहास आपको बताने की, बोलो समझ में आया क्या? ऐसे ही तो नहीं कह रहे? अब हम सब राष्ट्रध्वज फहराएंगे,
जोर से बताओ फहराएंगे। तो बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। लीजिए लीजिए। हमारे कुछ साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं। इस श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुहागपुर जिला शहडोल से देव बैगा, जो कि कक्षा नवी के विद्यार्थी हैं, आपके समक्ष अपना प्रश्न रखेंगे। बोलो बेटा। मेरा नाम दिलू बैगा, मैं शासकीय मालक हाई स्कूल सुहागपुर जिला शहडोल में कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। आपसे मेरा एक प्रश्न है। जैसा कि हम सभी प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, किंतु एक या दो दिन बाद हम सभी अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह बहुत ही अलग है। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हम अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों में क्या बदलाव करें कि हमारा यह उत्साह एक दिन नहीं बल्कि पूर्ण वर्ष कायम रहे। बेटा बहुत अच्छा किया आपने, तालियां बजाएं इस प्रश्न पे। जब स्वतंत्रता दिवस आते हैं तो बहुत उत्साह से हम मनाते हैं और बाद में फिर 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं। ये उत्साह हमेशा कैसे बना रहे? देखिए मैं एक बात कहता हूं, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। ये भाव